हेलो एंड वेलकम बैक टू बर्मन्स ब्लॉग। होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। चलिए आज हम एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वीडियो प्रस्तुत करके लाए हैं आप लोगों के लिए। बच्चे लोगों का समर वेकेशंस के साथ ताल्लुक़ रखते हुए ये वीडियो को तैयार किए हैं। तो क्या क्या है ये वीडियो में जानेंगे आगे, मेरे साथ बने रहिएगा वीडियो में आखिर तक। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आज हम एक बहुत ही बढ़िया म्यूजियम दिखाएंगे जो कि ब्रह्मपुत्र रिवर हेरिटेज सेंटर है और बहुत सारी चीज़ें हैं अंदर, आप लोगों को दिखाएंगे, वीडियो में बने रहिएगा। यहाँ टिकट लेना होगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं, टिकट ले लेते हैं। टिकट की मान ये एंट्री करने के लिए ये गेट होके जाना पड़ेगा। यहाँ लाइन लगे हुए हैं, हम भी लाइन पे हैं अभी। सीनियर सिटीजन और जो बच्चे लोग होते हैं 10 साल के नीचे वाले, तो उन लोगों को टिकट नहीं लगेगा। यहाँ सिगरेट ये सब अगर लेके आओगे तो अंदर आपको अलाउड नहीं होगा। ये देखिए गुटखा सिगरेट, ये देखिए। गुवाहाटी के पान बाजार एरिया में ये जो सेंटर है डेवलप किया गया है। देखिए असम का जो कल्चर है, ये कल्चर को यहाँ एग्जीबिट किया गया हुआ है। आगे लेके चलूँगा मैं आप लोगों को, मेरे साथ बने रहिएगा। बहुत ही एक सुंदर नज़ारा है। जो हेरिटेज सेंटर है यहाँ पूरा डिटेलिंग किया हुआ है। आप लोग आओगे तो एंट्रेंस में ही आप लोगों को ये सभी चीज़ें जो हैं यहाँ देखने को मिल जाएगा। आर्टिस्टिकली लोग सजा के रखे हुए हैं। इवनिंग टाइम में लोग बढ़ जाते हैं, यहाँ फैमिली के साथ आते हैं, दोस्तों के साथ आते हैं, यहाँ से सनसेट का भी मज़ा ले सकते हैं। शाम के समय पे जब लाइटिंग होते हैं उस समय और ही ज़्यादा खूबसूरत लगने लगते हैं। मतलब जो भी असमी ट्रेडिशन है एग्जीबिट किया गया हुआ है और लोगों को थोड़ा जानकारी देने की कोशिश किया गया हुआ है। एग्जीबिशन वगैरह एवरी वीक ये चलता रहता है। कोई अगर चाहे तो इसको हायर करके भी खुद का जो भी एग्जीबिशन जो भी आर्ट रहता है उसको प्रेजेंट कर सकते हैं यहाँ। ब्रह्मपुत्र बुकुत खान भी इमान धुनिया को फजाई तुला ओपन स्पेस आपनलोके देखिबोलै पाइसे। जैसे कि आप लोग ये ओपन स्पेस देख पा रहे हो, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एम्फी थिएटर। द एम्फी थिएटर पर्टिकुलर इज डिजाइन टू बी ए सिग्निफिकेंट वेन्यू इन गुवाहाटी फॉर शोकेसिंग वेरियस डिसिप्लिन्स ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स। डग इनटू द ग्राउंड्स ऑफ द ब्रह्मपुत्र रिवर हेरिटेज सेंटर, द एम्फी थिएटर ओवरलुक्स द सेनिक बैंक ऑफ रिवर ब्रह्मपुत्र। The long circular backdrop of its stage is a seamless painting depicting Lachit Borphukan atop Itakuli Hill directing his man for an unsouled flora and fauna of the Kaziranga National Park and woman plucking tea leaves in a tea garden. बिल्कुल मजा आ गया। लेकिन यहाँ आके मुझे नहीं मालूम था, लेकिन यहाँ ऐसा है कितना बढ़िया पार्क स्टार्ट हुआ है। ब्रह्मपुत्र हेरिटेज के बारे में मैंने पूछा, फिर लोगों ने बताया, मुझे लगा कि एक बार आऊँ अंदर आके लोगों को दिखाऊँ, तो आप लोगों को दिखा। बिल्कुल बीच में नज़र डालिएगा, यहाँ से सरायघाट ब्रिज दिख रहा है। About the cultural workshops, the premises of the Brahmaputra River Heritage Center, along with the amphitheater, hosts cultural workshops for music, dance, theater, and fine arts. Regular workshops, classes, and activities are conducted to study and impart training in various traditional fine arts and performing arts. तो आइए आप लोग भी इसका भाग लीजिए, यहाँ participate करिए। ना बड़ा चेस का बहुत ही बढ़िया चीज़ें मैंने गौर किया यहाँ।
तो सभी पेड़ का नंबर दिया हुआ है। ये देखिए हर एक पेड़ का नंबर है, नंबर से ये पहचान किया जाता है। होप आप सभी लोगों को वीडियो देख के अच्छा लगा होगा। और ये जो एरिया है, ये सेंटर है, ये सेंटर भी देख के आप लोगों को मज़ा आ गया होगा। अच्छा म्यूजियम देख के आते हैं। ये है म्यूजियम, क्या क्या रखा हुआ है थोड़ा सा दिखा देंगे आप लोगों को। बाहु ब्रह्मपुत्र रिवर हेरिटेज सेंटर को अक्टूबर 2021 में इनॉग्रेट किया गया था। अच्छा, यहाँ अगर एंटर करना है म्यूजियम में तो आपको ये जो आपका टिकट दिए थे, पहले लिए थे, वो टिकट यहाँ शो करना पड़ेगा। तो चलिए यही है इसका एंट्रेंस, और एंट्रेंस से हम लोग जाते हैं अंदर। और ये एक बात बता देता हूँ, ये ओल्ड डीसी बंगलो था यहाँ। डीसी मतलब डेप्यूटी कमिश्नर, जो कलेक्टर होते हैं। ये देखिए असम इज फेमस फॉर सिल्क एंड हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट। सो यहाँ थोड़ा सा लूम का जो फार्मूला है यहाँ थोड़ा सा शो करके रखे हुए हैं। ये बहुत सारा बैम्बू और जो है हैंडीक्राफ्ट, तो चीज़ें यहाँ लगा के रखे हुए हैं। ये सभी बैम्बू का हाथ से बनाया हुआ है। पूरा पुराना ज़माना भी याद आ जाते हैं ये सब चीज़ें देख के। तो देखिए बहुत ही सुंदर से इसको सजा के रखे हुए हैं। ये नेट है, फिशिंग नेट, मछली पकड़ने का सभी फिशिंग इक्विपमेंट है। बाकी सब जो है पूरा हैंडीक्राफ्ट चीज़ें हैं। और थोड़ा सा आगे जाएंगे तो मैंने बताया जो भी एथनिक ग्रुप्स हैं, वेरियस एथनिक ग्रुप्स वी आर हैविंग इन असम, तो थोड़ा सा ये म्यूज़ियम के थ्रू एग्जिबिट करने की कोशिश किया गया हुआ है। I asked the lady, she didn't allow me to enter for video, so it is not allowed. तो आप लोग कभी भी आओगे तो यहाँ कुछ क्राफ्ट वाला चीज़ें, हैंडीक्राफ्ट वाला चीज़ें आपको लेना है तो आप ले सकते हो, but you can't make any video. तो चलिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा ऊपर जाएंगे, क्या क्या चीज़ें रखे हुए हैं थोड़ा देख के आएंगे। जो भी लेकिन नेचुरल है, ये कोई कॉन्क्रीट चीज़ें नहीं है, नेचर से बना हुआ है, वुडन मटेरियल है। थोड़ा इंडिजिनियस ट्रेडिशनल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट देखने को मिलेगा। इसको बोलते हैं दोबा। ये दोबा जो है मंदिर में रहता है, और आरती के समय इसको बजाते हैं, और कोई कोई फेस्टिवल्स वगैरह होते हैं, पूजा वगैरह होते हैं तो उसको बजाते हैं। टिकट देखा लगे निकी है। अच्छा, यहाँ से अगर आपको एग्जिट करना है, टिकट साथ में रखिएगा जब तक पूरा जो सेंटर है कंप्लीट नहीं हो जाता है, क्योंकि एग्जिट पर आपको टिकट शो करना पड़ेगा। चलिए आज हम यहीं पे ये छोटा वीडियो जो है इसको यहीं पे समाप्त करते हैं, और मिलते हैं जल्दी ही विथ अनदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टॉपिक। टिल देन स्टे सेफ, स्टे कम्फर्ट, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। Bye-bye.